नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। हमारे साथ निशांत है। निशांत कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड अंतर्गत आने वाले लबेधा गांव के एक प्रगतिशील किसान कह सकता हूं या एक प्रगतिशील बिजनेसमैन कहा जाए तो भी है। इन्होंने बटेर पालन कर रहे हैं। इससे पहले जो बटेर, जो मैं बता रहा हूँ, बटेर एक जंगली पक्षी होती है और इसका मांस के तौर पर इसकी काफी डिमांड है। बड़े शौक से, बड़े चाव से एक अच्छा खासा पैसा देके इस बटेर को खरीदते हैं और इसके मांस को खाते हैं। लेकिन इन्होंने मुर्गी पालन भी किया था और उस मुर्गी पालन और इस बटेर पालन में इनको कितना बदलाव है और कैसे देखते हैं, इनका अनुभव क्या है कि मुर्गी पालन और बटेर पालन में किस तरह से कौन सा किस फायदे का सौदा है और कितना नुकसान का सौदा है, ये सब कुछ बताएंगे निशांत। तो निशांत से हम समझते हैं कि निशांत, सीधी सी बात है, सीधे मुद्दे पे आते हैं। आपने मुर्गी पालन भी किया, बटेर पालन भी किया जी। बटेर पालन चुके कर रहे हैं जी। दोनों में अंतर क्या है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट मुद्दे पे हम भी बात करते हैं कि मुर्गी पालन जब करते थे तो जितना हमें स्पेस एक मुर्गी को पालने में लगता था उतना में ही एक मुर्गी के बजाय हम कम से कम पांच से छह बटेर हम पालन कर सकते हैं। वहाँ आप देखिए सर, अगर उतना स्पेस की बात करते हैं हम तो उसमें कम से कम एक हम मुर्गा अपना रख सकते थे, लेकिन उसमें आज के डेट में काउंट करेंगे तो कम से कम 10 से 12 बटेर वहाँ पे हैं स्थगित। वहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्क्वायर फीट में मुर्गी क्या होता है, 1.25 स्क्वायर फीट में एक मुर्गी रहता है तो एक स्क्वायर फीट में ये पांच बटेर आपको रेडी बटेर रह जाते हैं। पांच से छह मान के चलिए आराम से। ये हमारा जो भी बात कर रहे हैं आपके माध्यम से या आपके जो टीवी के माध्यम से, ये जो भी बातें बता रहे हैं वो हमारा सिर्फ अनुभव है। जो हमने अनुभव किया वही चीज हम आपको बता रहे हैं। तो एक जैसे हम सब देखते थे, एक मुर्गी पे हमने देखता था कि 10 से 12 रुपए बच रहे हैं पर केजी, और वही इसमें देखते हैं कि उसी स्पेस में हमको कम से कम एक बटेर पे हमको भी 8 से 10 रुपए के करीब में आराम से बच जाते हैं। तो उसके हिसाब से उस पर अगर 10 रुपए कमाते तो इसी स्पेस सीधे हम 50 रुपए कमा लेते हैं। यहाँ लोग खुद आते हैं और अपना देखते हैं। मुर्गी पालन भी आप तो किए थे, किए हैं। पालन में कितना खर्चा आ जाता है, कितना खर्चा पे एक केजी तैयार करने पे कम से कम सर आपको 100 रुपए के आसपास चले जाते थे हमारा। और इसको जब हम पालन करें, इसको तैयार करें तो इसको हमको 35 से 36 रुपए में ऑटोमेटिक 35 रुपए में हम टोटली तैयार हो जाएगा, मीट पर्पज के लिए मार्केट में सेल हो जाता है। मार्केट में इसका 40 से 45 रुपए रेट में आराम से आदमी आते हैं और लेकर के चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक बात है सर कि इसको करने में एक पैसे की भी जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन खर्चा नहीं है, कोई तामझाम नहीं है, बस इसको ठंड से थोड़े से बचाना है, बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इतना। दूसरी चीज ये बात कि जो मोर्टेलिटी दर आपको पोल्ट्री फार्म में था सर, इसमें एक मोर्टेलिटी दर आपको नहीं है, ना इसमें रोग है, ना इसमें दवा की जरूरत है, ना इसमें कोई मोर्टेलिटी दर है आपको। कोई कभी नहीं हुआ है सर, एक भी नहीं मोर्टेलिटी हुआ है। 6 महीने से ऊपर से कर रहे हैं, 6 महीने से ऊपर से कर रहे हैं सर, एक भी इसमें मोर्टेलिटी नहीं होती है हमारे। तो ये है निशांत, इन्होंने अपना अनुभव बताया कि पोल्ट्री फार्म और बटेर जो है पालन, इसमें क्या अंतर है और इन्होंने क्या अनुभव शेयर, कितना इनको इन्होंने अपना अनुभव जो लगा और अनुभव के माध्यम से जो इन्होंने सीखा उसके बाद इन्होंने बटेर के बिजनेस में शुरू किया और इन्होंने पूरा बताया विस्तार से। लेकिन हाँ, साथ ही साथ अगर आप भी बटेर का जो है बिजनेस करना चाहते हैं तो आप एक बार जरूर किसी विशेषज्ञ, इनसे जुड़े हुए विशेषज्ञों से सलाह जरूर ले लें, है ना, क्योंकि जलवायु और तमाम चीजों का उसमें भी एक रहता है, अहम भूमिका रहता है। तो उसके अनुसार आप एक बार उनसे सलाह लीजिए और उसके बाद आप इसमें भी एक अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। और ये निशांत का अपना अनुभव था, और भी हम कई लोगों से मिलेंगे और आपको इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए किसान तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।